केवळ अदानीच्या विरोधातून खोटं पसरवून त्याला विरोध करण्याचं काम आदित्य ठाकरे करतात। निर्बुद्ध आदित्य ठाकरे शहरी नक्षलवाद्यांचे पपेट जरूर व्हा, पण अभ्यासांती बोला असं एकही डॉक्युमेंट जर त्यांनी दाखवलं तर मी राजकारण सोडायला तयार। धारावीच्या शिवसेना शाखेत बसून खोटे आकडे निर्माण करण्याचं षडयंत्र आदित्य ठाकरे करतात। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार आदित्य ठाकरे पर जमकर बरसे। सबसे घनी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास को लेकर उनकी समझ और आंकड़ों पर दी जा रही जानकारी को आशीष शेलार ने सरासर झूठ बताया और राजनीति छोड़ने की भी पेशकश कर दी। 1080 एकड़ जागा ही अदानीला दिली गेलेली आहे। आदित्य ठाकरे यांना खुला आव्हान आहे। आदित्य ठाकरे का कहना है कि 1080 एकड़ जमीन अदानी को दे दी गई है। मेरी चुनौती है कि धारावी को विकसित करते समय कम से कम एक दस्तावेज जमा करे। अगर किसी दस्तावेज पर अदानी का नाम है तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले कुछ औपचारिक आंकड़े समझते हैं। धारावी को बदहाली से मुक्त कराने की कोशिश बरसों पुरानी है। 2004 में उस वक्त के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण बनाया था। परिवारों और घरों की पात्रता का आधार प्रक्रिया और जांच में ही कई बरस बीत गए। कई डेवलपर्स मुकरते गए। 29 नवंबर 2022 को अडानी समूह ने स्लम को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट की बोली जीती। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से अडानी समूह धारावी झोपड़पट्टी का पुनर्विकास कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह की संयुक्त धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड में महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी 20% है। इसके ही जरिए सभी पात्रों को धारावी में ही 350 वर्ग फुट के नए घर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि मुंबई में किसी भी अन्य झुग्गी पुनर्वसन परियोजना से 17% अधिक क्षेत्रफल है। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं उन्हें दस्तावेजों के आधार पर पात्र मानते हुए मुफ्त में 350 स्क्वायर फुट का पक्का मकान दिया जाएगा। यहां तक कि जो लोग अपात्र हैं उन्हें भी महाराष्ट्र सरकार की नीति के अनुरूप मुंबई और आसपास आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अपात्र लोगों को धारावी से बाहर लेकिन मुंबई और आसपास के इलाकों यानी कि MMR में ही 300 वर्ग फुट का घर मिलेगा। ये निर्णय सर्वेक्षण और सरकार के डेटा के आधार पर लिया जाएगा। धारावी में घरों का सर्वे अभी पूरा भी नहीं हुआ। पात्र अपात्र लोगों की संख्या भी तय नहीं हुई, लेकिन विपक्ष आरोपों की झड़ी लगा रहा है। मुंबई की जो लूट हो रही है उसके ऊपर, क्योंकि मुंबई में 1080 एकड़ अदानी के और दिए गए, अदानी के हाथों में दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज मैंने पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज मंडई हो, वर्ली में एस्फॉल्ट प्लांट हो या BSE का पावर रिसीविंग स्टेशन हो, ये तीनों चीज़ें अभी उनका बिडिंग होगा और किसको मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमारे जो कोली बांधव है उनके हाथों से जमीन छीनी जा रही है। हमारी जो मुंबई है, मुंबई करो के हाथों से जमीन छीनी जा रही है। आशीष शेलार कहते हैं कि धारावी TDR नियम तब बना था जब आदित्य ठाकरे के पिता यानी कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे। TDR अडानी को जो भी नियम दिए गए वो सब किए गए जब महाविकास आघाड़ी के CM उद्धव ठाकरे थे। आज उसी के खिलाफ आदित्य ठाकरे खड़े हैं। जिस वक्त अडानी को टेंडर दिया गया उस वक्त उद्धव ठाकरे ही CM थे। आप यूटर्न लेते दिख रहे हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे जब आपने आरोप लगाया कि यह जगह मुफ्त में दी गई है। धारावी का सर्वे पूरा नहीं हुआ है। 20,000 घरों का सर्वे घर घर जाके किया जा चुका है। अब भी कई सर्वे बाकी है। केवल घर टू घर सर्वे डाला है। धारावी पुनर्निर्माण की योजना करीब 20 साल पुरानी है और सबसे चुनौतीपूर्ण है। इंतजार लंबा और बेहद लंबा चला। अब धारावी भी जल्द विकास चाहती है, लेकिन ऐसी विकास परियोजनाओं पर इस तरह की सियासत सोचने पर मजबूर करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।